तो हे गाइस, अब जो है पूरा साफ हो चुका है रूम। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, ये रूम चौकी रखा हुआ है। तो यहां देखिए पूरा ये सब साफ हो गया है, पूरा क्लीन। और साथ ही साथ यहां पे आप देख सकते हैं ये गली है, जो कि इस गली में भी जो है साफ हो चुका है। और यहां पे आप देख सकते हैं किचन है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी जो है पूरा साफ हो चुका है। नीचे में जो कि पूरा कचरा लगा हुआ था, अब वो जो है साफ हो चुका है। और साफ होने के बाद देख सकते हैं यहाँ के में रखा हुआ कचरा, वो मैं पीछे कैमरा करके दिखा देता हूँ। पूरा जो है कचरा रखा हुआ है, जो कि साफ होने के बाद निकला है। सो हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम जो है घर की सफाई करने वाले हैं। और चलिए आपको हम दिखाएंगे किस तरह से जो है आज हम घर की सफाई करने वाले हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं इस रूम को जो है पूरी साफ करना है पूरा। और सामने में आप देख सकते हैं किचन है, उसको भी जो है आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो है साफ करने वाले हैं। तो चलिए, ये है किचन, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस किचन को साफ करना है। और यहाँ पे सामने में एक रूम है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको जो है पूरी सफाई करना है। तो चलिए वीडियो पे बने रहें, और ब्लॉग जो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ब्लॉग को अब करते हैं शुरू। इतना करने के बाद आप देख सकते हैं कितना धूला अंदर में भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा में धूला भरा हुआ है। क्योंकि आपको तो पता होगा कि इतना साफ किए फिर भी आप देख सकते हैं कितना कचरा आगे में यहाँ पे है। और यहाँ पे भी फिर भी जो देख सकते हैं ये सब जो है ना, ये सब इस सब को जो है साफ करना और इस तरह से जो प्लेन करना है, ये सब भी उखाड़ना पड़ेगा। ये सब जितना देख रहे हैं ये सब को जो है साफ करके उसके बाद जो है रूम को पूरा क्लीन करना पड़ेगा। और उसके बाद जो है पानी मारकर होगा तो पानी मारेंगे, नहीं तो पानी नहीं मारेंगे। पूरा चारों साइड से आप देख रहे हैं जितना चारों साइड से पूरे को साफ करना है आज और अभी। तो गाइस वीडियो पे बने रहें, और साफ करना करते करते हालत ख़राब भी हो जाएगा। तो चलिए वीडियो पे बने रहें, और उसके बाद आप देख सकते हैं उस रूम को भी जितना देखिए कितना कचरा यहाँ पर आप देख सकते हैं, कितना बालू है। ये सब जो है काम हुआ था, ये सब बालू है जो कि साफ करके जो है निकाला गया है, और अभी भी और बाकी है। तो चलिए वीडियो पे बने। अभी जो है ईटा को तोड़ दिए, और यहाँ पे जो है चौखट लगेगा। तो देखिए आपको हम दिखा देते हैं पीछे कैमरा करके जो है दिखा देते हैं कि किस तरह से जो मैंने तोड़ा। देख सकते हैं तीन छेद हुआ, ऊपर में एक और बीच में एक जो है नीचे में। और जो तोड़ने के बाद जो है यहाँ पे जो एक मसूला और जो है यहाँ पे छेनी का जो है उपयोग किए थे, जो कि तोड़ने के लिए ये मैंने तोड़ दिया। और साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं पूरा जो रूम क्लीन हो चुका है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना कचरा था उस समय, तो उस सब को जो है मैंने साफ कर दिया है। और बाहर में भी देखिए, चलिए दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये भी साफ हो चुका है, और सिर्फ रह गया है किचन। तो इसको भी आप जो है साफ करना है। और यहाँ पे भी जो है
चौखट लगेगा, तो तीन को यहाँ पे भी जो है तोड़ना है। तो चलिए तोड़ते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे जो है साफ़ कर लेते हैं। पहले जो है तोड़ लेंगे इस तीनों को, उसके बाद जो है हम साफ करते हैं। चलिए वीडियो पे बने रहें। गाइज अब जो है पूरा साफ हो चुका है रूम। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं ये रूम चौकी रखा हुआ है, तो यहां देखिए पूरा ये सब साफ हो गया है, पूरा क्लीन। और साथ ही साथ यहां पे आप देख सकते हैं ये गली है, जो कि इस गली में भी जो है साफ हो चुका है। और यहां पे आप देख सकते हैं किचन है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी जो है पूरा साफ हो चुका है। नीचे में जो कि पूरा कचरा लगा हुआ था अब वो जो है साफ हो चुका है। और साफ होने के बाद देख सकते हैं यहाँ के में रखा हुआ कचरा, वो मैं पीछे कैमरा कचरा रखा हुआ है जो कि साफ होने के बाद।